कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, तो इसी बीच कांग्रेस की खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश में कांग्रेस के दो सबसे बड़े पावर सेंटर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कपड़ा फाड़ जंग के खूब चर्चे हो रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि मंगलवार को जब पार्टी का वचन पत्र जारी करने के लिए दोनों नेता एक मंच पर आए, तो वहां भी एक दूसरे पर हंसते हुए ही सही लेकिन खूब पीठ चलाए। दरअसल बीजेपी ने मंगलवार सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कमलनाथ कह रहे हैं जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। हालांकि इससे पहले ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका था, लेकिन बीजेपी के हैंडल से शेयर होने के बाद इस वीडियो पर काफी चर्चा होने लगी। लेकिन कुछ देर बाद जब वचन पत्र जारी करने से पहले मंच पर दोनों नेता ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की, तो खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ेंगे। भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी को कुछ सीटों पर विरोध और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी सीट से कांग्रेस ने केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी से कोलारस सीट से विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह रघुवंशी शिवपुरी से टिकट चाहते थे। कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन जब लिस्ट आई तो रघुवंशी को जोरदार झटका लगा। इसके बाद रघुवंशी के समर्थक नाराजगी जताने के लिए भोपाल तक पहुंच गए और कमलनाथ से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कमलनाथ ने उनसे कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। बताया जाता है कि रघुवंशी को कांग्रेस में लाने में दिग्विजय सिंह की भूमिका थी और ग्वालियर चंबल के टिकट बंटवारे में भी उनकी चली है। कमलनाथ का वीडियो सामने आने के बाद दिग्विजय ने उन्हें इशारों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धैर्य पूर्वक समाधान ही समझदारी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्य पूर्वक समाधान निकाले, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। नर्मदे खर। इस बीच दोनों नेता जब एक ही मंच पर वचन पत्र जारी करने के लिए पहुंचे, तो पहली मुलाकात हंसते हुए हुई। दोनों साथ बैठकर एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिस पर आसपास मौजूदा लोग भी मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इसके बाद जब कमलनाथ ने माइक संभाला तो उन्होंने पत्रकारों के सामने वीडियो पर सफाई दी। इस दौरान कमलनाथ और दिग्विजय ने एक दूसरे को हंसते हंसते ही सही कई बातें कह दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।